हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यूज़ में। दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और अभी मैं फिर से आ चुका हूँ जिधर जिधर रहता हूँ सुबह सुबह टहलने। लगभग 15-20 दिन से जो है ना नहीं आ रहा था इधर टहलने, लेकिन अब फिर से आना स्टार्ट कर दिया है। और आज है 1 फरवरी 2024, यानी कि दूसरा महीना स्टार्ट हो गया। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं, घूम के आते हैं आगे से। देख सकते हैं कितना धुंध लगा हुआ है, अभी बहुत तेज धूप है, धुंध है, कोहरा। दोस्तों फाइनली अभी मैं अपना लोकेशन पे पहुंच चुका है, देख सकते हैं। और दोस्तों कितना ज़्यादा धुंध है, देख सकते हैं। लगभग 1 घंटा पहले से धुंध लगना स्टार्ट हुआ है और 2 घंटा तक रहेगा, यानी कि 9, 9:30 बजे फिर धूप कड़ा उगेगा और धूप उगेगा पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा। तो 2-3 घंटा के लिए सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी भी रहता है और कोहरा धुंध भी रहता है। अभी ये भी थोड़ा सा यहाँ पे आ गया था, वीडियो अपलोड करने के लिए लगा दिया हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। और अभी चलते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। हमने एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके और वीडियो भी अपलोड कर लिया। और दोस्तों चलते हैं घर पर, 7 बज चुका है अभी। तो दोस्तों अभी आ गया घर और देखिए कृष्णा का सुबह सुबह उठ के दुकान में चला गया बिस्कुट लेने। कहाँ बिस्कुट दिखाओ तो, ए बिस्कुट लेकर आ गया। तो चलते हैं अब, और मॉर्निंग का समय का व्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। फ्रेश हो गया है, धुन खत्म, धुन खत्म। कृष्णा चल जा है वा, जब पानी जोर कर चाय जोर जा खाइए के चल जा चल जा चला गया। तो चलते हैं सब माल को, आज गिनती करते हैं टोटल माल कितना का बचा हुआ है, टोटल माल कितना है। दोस्तों अभी टाइम हो गया है, लगभग 8:30 होने वाला है और दोस्तों लगभग 1 घंटा समय लगा है सारे गिनती उनती करने में। तो गिनती कर लिया, माल सरिया उरिया भी लिया और दोस्तों इतना माल स्टॉक बचा हुआ है, इतना है देख सकते हैं। और सब माल सरिया लिया, टोटल झोला में कभी एक हो गया, उधर कैरेट का भी हो गया और टोटल यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। तो अभी चलता हूँ दोस्तों हिसाब करने, और छत पर अच्छे से हिसाब करेंगे। और अभी 8:30 हो रहा है तो लगभग 10 बजे से निकलेंगे, फिर अभी चलते फिलहाल हिसाब सब करते हैं और स्नान स्नान करके। फाइनली दोस्तों अभी मैं छत पे हूँ और हिसाब उसाब करते उते जो है ना सामान हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे हिसाब उसाब किया हूँ और इसमें सब उतारा हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों 9:30 होने वाला है, अभी चलते हैं फिलहाल स्नान स्नान करते हैं और देख सकते हैं किस तरह का भी है। दोस्तों धूप आ गया है पूरी तरह से, फ्रेश मौसम हो गया है, 9 बजते बजते। तो चलिए अभी चलते हैं स्नान करते हैं, खाना ना खाते हैं, खाना ना खा करके फिर। तो अभी मैं स्नान स्नान करके पूजा वूजा करके पूरी तरह से मैं तैयार हो चुका हूँ अभी चलने के लिए फेरी पर। और दोस्तों भी चलते हैं, खाना खाते हैं, देख सकते हैं खाना भी इधर आ गया है। तो करी है, चावल है और आलू गोभी का सब्जी है। तो चलते हैं दोस्तों खाना वाना खा करके, और माल भी अभी लोड नहीं किया हूँ, देख सकते हैं। तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद माल लोड करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। दोस्तों टाइम अभी 9:45 हो गया, तो खाते हैं। मैं घर से निकल चुका हूँ और अपने गांव से भी निकल चुका हूँ दोस्तों, और अभी बोनी होनी तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल दोस्तों घूमते हैं। और धूप तो मस्त उगा हुआ है, लेकिन गाड़ी चलाते हैं तो ठंडा लगता है कान में। पट्टी पट्टी जो होता है ना कान पट्टी, वो तो लाए हुए हैं लेकिन पहने नहीं हुए हैं। ज़्यादा ठंडी तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाते हैं तो लगता है। चलिए दोस्तों घूमते हैं, देखते हैं आज कितना का सीलिंग होता है। और दोस्तों आज जो है ना 1 रुपया उधार लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, और देखते हैं क्या होता है, शाम तक कितना का सेलिंग होता है। उधार तो नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन पिछला वाला गाँव में घूमा हूँ, घूमते हुए आ रहा हूँ दोस्तों, और आवाज़ लगाते हुए भी और बोलते हुए भी और ऐसे घूमते हुए भी आ रहा हूँ दोस्तों। एक भी सेलिंग नहीं हुआ है, कस्टमर रोका भी नहीं है, पूछताछ भी नहीं किया है। तो अभी चलते हैं, पाला गाँव तो घूम लिया, एक भी बोनी भी नहीं हुआ और मतलब बिक्री भी नहीं हुआ। चलते हैं दोस्तों अभी अगला गांव में घूमते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा आज का दिनचर्या रहता है, फर्स्ट बोनी कब तक होता है। दोस्तों अभी 11:45
11 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो फिलहाल चलते हैं। लगले लगले दो गांव है, मलाही टोला और सिंहोरबा, जो कि सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। तो इस गांव में घूमते हैं, देखते हैं कितना का सेलिंग होता है इस दोनों गांव में, कि नहीं होता है। दोनों गांव घूम करके फिर मिलते हैं। दोस्तों दो गांव घूम लिया, सिंहोरबा और मलाही टोला, और इस दोनों गांव में, मलाही टोला में तो नहीं हुआ है, सिंहोरबा में मस्त सेलिंग हुआ है। 1000 का सेलिंग हो गया, नाइटी उटी प्लाजो उलाजो ट्राउजर उजर यही सब, कुर्ती यही सब बिका है। फिलहाल चलते हैं अगला गांव में घूमते हैं, फिर मिलते हैं। अगला गांव दो गांव लगने लगे अनकार और सिमर, तो ये दो गांव में घूम करके फिर मिलते हैं। दोस्तों दो गांव कंप्लीट कर लिया घूम करके, ननकार सिमर दोनों गांव। दोनों गांव में दोस्तों 150 रुपया उधारी मिला है, 170 रुपया और 190 रुपये का सेल हुआ है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले गांव की तरफ, घूमते हैं। अगला गांव दोस्तों ना रहा है, फिर मिलते हैं, देखते हैं नरकटिया में कितना का सेल होता है। दोस्तों अभी नरहा पुल पे हूँ और नरहा गांव घूम लिया, और दोस्तों सेलिंग बहुत कम हुआ है, न के बराबर सेलिंग हो भी नहीं किया है इस गांव में थोड़ा भी सेलिंग नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों दाम इतना कम लगा रहा है, यानी कि 10% बचने वाला, तो इतना तो कौन बेचेगा, इसलिए नहीं बेचे हैं। अगर बेचते तो 200 का सेलिंग होता, लेकिन नहीं बेचे हैं क्योंकि दोस्तों बहुत कम प्रॉफिट लगा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, फिलहाल अगला गांव में घूमते हैं, अभी नरहा पुल पे हैं, फिलहाल चलते हैं। अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे, उसके बाद में दूसरे घर की तरफ चलेंगे। दोस्तों अभी मैं नाश्ता कर लिया और अभी चलते हैं यहाँ से। अभी टाइम दोस्तों अभी लगभग 4:30 होने वाला है, 4:30 हुआ नहीं है, होने वाला है, तो फिलहाल से घर की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ से देखते हैं रास्ते में बिक्री होता है कि नहीं, फिलहाल चलते हैं। तो दोस्तों अभी रास्ते में आ रहा था और उधारी पैसा था, तो उधारी मांगने गया हूँ, तो 100 रुपया वाला उधार वाला मिला है, और वहीं पे जहाँ पे उधार दिया है वहीं पे दो कच्छा बिका है लेडीज़ वाला, 40 रुपये का सेल हुआ है, 100 रुपये का उधार मिला है। और दोस्तों अभी पौने 5 हो गया है, 5 बजने वाला है, मात्र 10 मिनट बाकी है। फिलहाल चलते हैं, थोड़ा सा सब्जी लेना है, तो मार्केट में मिलते हैं। दोस्तों अभी आ गया हूँ सुतौला चौक पे, और गाड़ियाँ लगा दिए, वो साइड में बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पे, तो चलते हैं मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं। आ गया दोस्तों, तो लेते हैं जो लेना है, थोड़ा सा सब्जी लेना है, 10 के 3 गो। चलो भैया, गोभी कैसे भैया? गोभी 1.25 किलो होते, 1.25 किलो 20 के दे दें, 1 किलो लगा। कितना का बोला? एहन बिका जेतै सर, भोट छौ ने रस लो आई नो होय त ना जी पति भई अपनी काम अपनी हाथ जो हते तक नो बिका। तो दोस्तों गोभी ले लिया, अब थोड़ा सा मिर्ची लेना है। मिर्ची कैसे भैया?
उसको सब उसको होगा। अब मूली कैसे चाचा, मूली आवाज है मिर्ची कैसे है, मिर्ची दे रहा 100 ग्राम इसका पौआ दे दे तो पौए दे दो ना हाँ नहीं मैं कलम पूरे जान करूँ के नौ जगह रखे सब्जी ले लिया अभी और अभी चलते हैं, गाड़ी वहाँ पे लगा हुआ है और फिलहाल चलते हैं। दोस्तों टाइम अभी लगभग हो गया है कितना 5:15 हो गया है तो चलते हैं बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। और अभी पूरी तरह से फ्रेश मौसम ये है, देख सकते हैं 5:30 हो गया है और वे तो डूब गया है लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ है। आज थोड़ा सवेरे ही जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों आज सवेरे ही चल दिया है घर की तरफ, घर पर जाते जाते जो है ना अंधेरा होना चाहिए लेकिन अभी फ्रेश ही है तो चलिए कोई बात नहीं चलते हैं। और दोस्तों सेल के बाद टोटल करें तो हमारे पास अभी टोटल रुपये 1,550 है, इसमें 250 रुपया जो है ना उधारी था वो मिला है तो टोटल सेल की बात करें 1,300 का सेल हुआ है। तो चलिए सेल कम हुआ है लेकिन ठीक ही है, कमाई सही हुआ है, 1,300 में ही 400 का सेल इनकम हुआ होगा तो सही रेट से बिका है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों घर पे और आज का इस वीडियो को घर पे एंड करेंगे तो चलते हैं घर पे। अंधेरा होने वाला है और जा रहा था थोड़ा सा पैसा यहाँ पे बाकी था तो यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी का है, लगभग 400 तक सेलिंग हुआ है तो अभी चलते हैं, अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो रहा है अभी। जींस नहीं है, खाली प्लाजो लेंगे, नहीं लेना है वीडियो बनाते हैं क्या? तो चलते हैं दोस्तों, अभी अंधेरा हो गया है, जाते जाते घर पे अंधेरा हो जाएगा पूरी तरह से। पहले दोस्तों अभी आ गया घर और आते आते अंधेरा हो ही गया देख सकते हैं, तो अभी चलते हैं चाबी रख देते हैं। और दोस्तों 1,300 प्लस में वहाँ पे अभी अंधेरा हो गया था तभी रुके थे जहाँ पे 400 का नहीं 500 का सेल हुआ है तो 1,300 × 5 = 1,800 तो आज का टोटल सेल 1,800 का हो गया। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह इस वीडियो में, इतना ही, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।